हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन द्वारा बैजनाथ के आरएम कार्यालय के प्रांगण में गेट मीटिंग की। इस मौके पर ड्राइवर यूनियन के प्रांतीय प्रधान मान सिंह ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहे। इस दौरान सैकड़ों चालकों ने प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर मान सिंह ठाकुर ने अपने संबोधन में प्रदेश के परिवहन निगम के प्रबंधन बैजनाथ के क्षेत्रीय प्रबंधक को आगाह करते हुए कहा कि जो रीप ड्राइवरों के ऊपर रिकवरी डालने की चलाई है उसको तुरंत बंद किया जाए। एक चालक अपनी दिन रात की ड्यूटी करता है, उसके ऊपर कभी तो शीशा टूटने की, कभी कमानी पट्टे टूटने की, कभी अन्य बातों की रिकवरी डाली जाती है जो सहन नहीं की जाएगी। कभी कभी चालकों का एक महीने का वेतन रिकवरी में खत्म हो जाता है। सड़कों की हालत इतनी खराब है कि कमानियां व पट्टे टूटना स्वाभाविक है। कार्यशाला के गेट के बाहर निकलते ही इतने बड़े गड्ढे हैं कि पट्टा वही टूट जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर के सभी चालक संगठित हैं और प्रबंधन की किसी भी तरह की रिकवरी सहन नहीं की जाएगी। इस मुद्दे को हम परिवहन मंत्री व निगम के महाप्रबंधक के समक्ष उठाएंगे। इस मौके पर सभी चालकों परिचालकों ने परिवहन प्रबंधन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि पहले बसों की दशा सुधारी जाए, कर्मशालाओं की दशा सुधर जाएगी, निगम में कर्मियों की कमी को दूर किया जाए। बिलासपुर कॉलेज में बीबीए विभाग के तत्वावधान में चल रहे 6 दिवसीय मैनेजमेंट फेस्ट 2019 के तहत उपभोक्ता जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें बीबीए स्टूडेंट्स ने रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक किया तथा इसके अलावा लोगों को स्वच्छता के प्रति भी जागरूक किया गया। बीबीए विभाग के तत्वावधान में रैली का आयोजन कॉलेज से गांधी मार्केट, चंपा पार्क व चेतना चौक होते हुए उपायुक्त कार्यालय तक निकाली गयी। स्टूडेंट्स ने डीसी कार्यालय के पास साफ सफाई भी की। इस दौरान एडीएम बिलासपुर विनय धीमान ने स्टूडेंट्स को विभिन्न विषयों पर संबोधित किया तथा स्वच्छता के प्रति जानकारी भी दी कि किस तरह खुद तथा दूसरों को साफ सफाई के बारे में कैसे जागरूक करना है। इस मैनेजमेंट फेस्ट में कॉलेज के करीब 109 स्टूडेंट्स ने भाग लिया और उपायुक्त कार्यालय के आस पास सफाई करके स्वच्छता का संदेश भी दिया। अंशदायी पेंशन स्कीम को बंद करने और पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले बिलासपुर जिला के सैकड़ों शिक्षकों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। इससे पहले शिक्षकों का धरना ब्लॉक लेवल पर आयोजित किया गया था, मगर सरकार द्वारा मांगों को पूरा न करने के चलते प्राथमिक शिक्षकों ने जिला मुख्यालय पर धरना देकर अपनी मांगों को पूरा करने की सरकार से अपील की है। वहीं शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष रमेश शर्मा का कहना है कि 2003 के बाद सरकारी कर्मचारियों को जहां नई पेंशन स्कीम के तहत पेंशन दी जा रही है वे 9 पेंशन के बराबर है, जिससे कर्मचारियों के साथ धोखा हो रहा है। साथ ही उन्होंने 2003 से पहले की पुरानी पेंशन स्कीम को पुनः लागू करने और अंशदायी पेंशन योजना को बंद करने की भी सरकार से अपील की है। वहीं संघ की उपाध्यक्ष का कहना है कि आने वाले समय में सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाती तो जनवरी माह में ये प्रदर्शन राज्य स्तर पर सचिवालय के बाहर किया जाएगा, जिसके बाद फरवरी माह में अखिल भारतीय शिक्षक संघ के आह्वान पर रामलीला मैदान पर एक सप्ताह का राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। वहीं प्रदर्शनकारी अध्यापकों ने बिलासपुर उपायुक्त राजेश्वर गोयल के माध्यम से सीएम जयराम ठाकुर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भी भेजा है।